ये दो जवाबात हो गए, चार में से दोनों के जवाबात हो गए। आगे बता रहे हैं, अहराम बांधने के वक्त में इख्तिलाफ आइम्मा और इमाम अबू हनीफा के मजहब पर दलाइल। दर्द रंग से रंगने का मतलब ये कपड़ों को जर्द रंग में जो है रंग देना, कपड़े वगैरह, चूंकि पहले ज़माने में कपड़ों को रंग कर पहना करते थे, और फिर दाढ़ी वगैरह का मामला भी है कि खिजाब जैसे लगाते हैं, तो जर्द रंग का खिजाब लगाना, काले रंग का खिजाब तो उसमें मना किया गया है, लेकिन दूसरे जो रंग हैं वो रंगों को इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो लिहाजा यहाँ पर वही जर्द रंग के दाढ़ी को रंगना, खिजाब लगाना जर्द रंग का, या फिर कपड़ों को जर्द रंग से रंगना, ये मुराद है। अहराम बांधने के वक्त में भी इख्तलाफ। चलिए, हाँ, अब यहाँ चूँकि साहिल तीसरा सवाल किए थे कि चांद दिखते ही अहले मक्का जो है अहराम बांध लेते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, बल्कि चंद अय्याम गुजरने के बाद आप अहराम बांधते हैं, उसकी क्या वजह है? तो अब यहाँ उसके बारे में बता रहे हैं। अहराम बांधने के वक्त में भी इख्तलाफ है। बाज़ के नज़दीक ज़ुलहज का चांद देखते ही उसके इस्तिक़बाल के लिए हज का अहराम बांध लिया जाए, और हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु 8 ज़ुलहज्जा को अहराम बांधते थे, और जब उनको लेकर सवारी चल पड़ती थी उस वक्त तलबिया पढ़ते थे, क्योंकि क़ब्ल अज़ वक्त अहराम बांधने की क्या ज़रूरत। इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह ने कहा है, उस वक्त अहराम बांधे जब सवारी उसको लेकर चल पड़े। हाँ, अब बता रहे हैं कि देखें कि तीनों अइम्मा के पास, इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा और इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा के पास क्या है कि जब सवारी लेकर चल पड़े, सवारी हो या फिर दौरे हाजिर के अतबार से जहाज़ वगैरह जब लेकर चल पड़े, तो उस वक्त अहराम बांधा जाए। और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने फरमाया, नमाज पढ़ने के बाद सवारी पर बैठने से पहले अहराम बांध लें। तो अब यहाँ इसमें देखें, नमाज पढ़ने के बाद सवारी पर बैठने से पहले अहराम बांध लें। सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु ने हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि सहाबा इकराम का अहराम बांधने के वक्त में क्यों इख्तलाफ है? यानी अब बाज़ सहाबा चांद तारीख देखते ही, चांद देखते ही अहराम बांधते, और बाज़ 8 ज़िलहज तक इंतज़ार करते, उसका इख्तलाफ क्यों आया आखिर? तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी वजह बताई। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए निकले, जब आपने मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा में 2 रकात नमाज पढ़ ली, तो नमाज से फारिग होने के बाद आपने हज का अहराम बांध लिया और तलबिया पढ़ा, जिसको लोगों ने सुना। फिर आप ऊँटनी पर सवार हुए, और जब आपको लेकर ऊँटनी चल पड़ी तो आपने तलबिया पढ़ा, और जब लोगों ने आपसे तलबिया सुना तो उन्होंने कहा आपने अहराम उस वक्त बांधा जब ऊँटनी पर सवार होकर रवाना हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, और जब आप शरफुल बैदा पर पहुँचे तो आपने तलबिया पढ़ा, और लोगों ने उसको सुना तो उन्होंने कहा कि आपने अहराम उस वक्त बांधा है जब आप शरफुल बैदा के बुलंदी पर चढ़े, और अल्लाह की कसम आपने अहराम उस वक्त बांधा था जब आप मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा में 2 रकात नमाज पढ़कर फारिग हुए थे। फिर उसके बाद आप सवारी पर बैठे, और जब वो चल पड़ी तो आपने तलबिया पढ़ा, और जब आप शरफ़ बैदा की बुलंदी पर चढ़े तो फिर आपने तलबिया पढ़ा। अब इसमें देखें, सईद बिन जुबैर ने कहा कि जिसने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के कौल पर अमल किया, वो हज के लिए जिस जगह 2 रकात नमाज पढ़े तो वहीं नमाज पढ़ने के बाद अहराम बांध लें, और जब रवाना हो तो तलबिया पढ़ें। चलिए, अब इसमें देखें, वजाहत आ गई कि तीनों अइम्मा बयान करते हैं कि सवारी पर चढ़कर, जब सवारी चल रही हो तो उस वक्त अहराम बांधे थे, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा बयान करते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम क्या है, पहले नमाज अदा करें, उसके बाद फिर अहराम बांधें। जैसे कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हदीस से सराहत आ गई इसकी कि पहले हुज़ूर मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा में 2 रकात नमाज अदा की, नमाज से फारिग होने के बाद अहराम बांधे। तो अब अहनाफ का जो अमल है वो बिल्कुल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अमल की तरह है। बाब मज़कूर की हदीस शरह सही मुस्लिम जिल्द 3 सफ़ा 290 पर है, वहाँ उसकी शरह की हसब ज़ैल उनवान
उनवानात हैं। हाँ, बता रहे हैं कि ये हदीस जो यहाँ पर, ये जो बाब यहाँ पर जिक्र किया गया है, यही बाब जो है शरह सही मुस्लिम जो हज़रत ग़ुलाम रसूल साईदी साहब की ही है, तो उसमें भी जिक्र की गई है इसकी शरह, और उसमें लेकिन उनवान थोड़ा सा मुख्तलिफ अलग है। वो क्या है, यहाँ बयान कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहराम बांधने के जगह में इख्तलाफ़ रिवायात, ये शरह सही मुस्लिम में ये बाब बांधा गया। और दूसरा उनवान क्या है, रुकने यमानी की तज़ीम की वजह। और तीसरा उनवान अहराम के लिबास को रंगने का जवाज। और चौथा खिजाब का हुक्म, खिजाब जैसे भी दौरान हदीस हमने बताया उसका क्या हुक्म है, उसकी क्या इजाज़त है और कौन सा रंग जायज़ है, वो सारी बातें हमने उसमें ज़िक्र की। बहरहाल बाब यहाँ पर अब ख़त्म हुआ। आगे बता रहे हैं बाबु तयम्मुनी फिल वुदू।